दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आरपीएफ का नया सिलेबस आया है। इस बार आरपीएफ ने अपना सिलेबस बदल दिया है। आरपीएफ का जो नया सिलेबस है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो है 10th बेसिस पे, यानी 10th पास। मिनिमम डिग्री इसके लिए आपको 10th पास की चाहिए। और वही एसआई के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। मिनिमम डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन की। तो दोस्तों, ये जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो हमारा एज है, जो एज का डिमांड रखा गया है वो है 1 जुलाई 2018 को। जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का डिस्काउंट दिया गया है, 3 साल का डिस्काउंट दिया गया है। और एससी एसटी के लिए 5 साल का डिस्काउंट दिया गया है। वहीं यदि हम बात करते हैं एसआई की, जो कि एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें जो एज है वो सेम है, 1 जुलाई 2018 को आपका जनरल के लिए 20 से 25 वर्ष तक। इसमें भी 1 जुलाई 2018 को ही मिलाना है, जनरल के लिए 20 से 25 वर्ष, और ओबीसी का इसमें भी 3 साल का डिस्काउंट है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का डिस्काउंट है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम कि आरपीएफ का रिटेन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आने वाला है, किस किस चीजों से वो क्वेश्चन पूछेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आरपीएफ का जो ये एग्जाम है वो पूरा का पूरा एग्जाम इस बार सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। कंप्यूटर के आधार पर ये टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये सीबीटी। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है 3। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है अर्थमेटिक और तीसरा है हमारा रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की हम बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में देखिए, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, दूसरा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से भी आएगा, जियोग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, और जनरल पॉलिटी से भी पूछेगा, इंडियन कंसुलेशन से भी पूछेगा, और स्पोर्ट्स से, जनरल साइंस के भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर्स के भी। जनरल अवेयरनेस में इन सारे टॉपिक्स से इस बार क्वेश्चन पूछने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अर्थमेटिक के सिलेबस की, तो अर्थमेटिक में इस बार नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, होल नंबर, इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, और फंडामेंटल ऑपरेशन से आएंगे, यूज ऑफ टेबल ग्राफ, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, और प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आएगा क्वेश्चन, मेजोरेशन से भी आएगा, और डेसिमल फ्रैक्शन से भी आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने तीसरे टॉपिक जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की, इनमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो पहला है हमारा एनालॉजी, दूसरा जजमेंट, तीसरा विजुअल मेमोरी, और डिसीजन मेकिंग, स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल विजुलेशन, डिस्क्रिमिनेटिंग
ऑब्जर्वेशन वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से आएगा, और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आएगा। और ये तो हमने यहाँ पे देखा कि रीजनिंग से किन किन टॉपिक्स में क्वेश्चन आएंगे, और एक लास्ट टॉपिक मेरा छूट गया साइलोजिस्टिक रीजनिंग का। दोस्तों अगर हम आरपीएफ की पीटी की बात करें यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, तो इसमें मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करनी है, और लॉन्ग जंप है 12 फीट का और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच का, मेल के लिए है ये। और फीमेल की यदि हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई के फीमेल में क्या क्या डिमांड है, तो 800 मीटर की रनिंग है और लॉन्ग जंप है 9 फीट का, हाई जंप है 3 फीट का, ये फीमेल के लिए डिमांड था एसआई में, एसआई जो कि एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेबल के, कॉन्स्टेबल में क्या क्या डिमांड है, कॉन्स्टेबल में क्या क्या डिमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टेबल में दोस्तों मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग है जो कि 5.45 सेकंड में पूरा करनी है आपको, मतलब ये मैक्सिमम टाइम है आपके लिए, इतने में पूरा कर ही लेना है। और लॉन्ग जंप है 14 फीट का और हाई जंप है 4 फीट का। आरपीएफ कॉन्स्टेबल में मेल के लिए हाई जंप 4 फीट का, लॉन्ग जंप 14 फीट का। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल के लिए रनिंग है 800 मीटर की जो कि 3.40 सेकंड में पूरा करनी है, और लॉन्ग जंप है 9 फीट का, हाई जंप है 3 फीट का। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।